खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने CISF के सलामी गारद का निरीक्षण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि CISF की भूमिका देश की सुरक्षा में काफी अहम है। उन्होंने कहा कि जब दुश्मन देश सीधे युद्ध करने के लिए स्थिति में ना हो तो वह देश के अंदर आतंकी वारदातों को बढ़ा देता है। ऐसे में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली CISF की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने में CISF एक महत्वपूर्ण इकाई है। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल तक लगातार हजारों लोगों ने आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया है, तब जाकर ऐसा संगठन बनता है। एक संगठन को सुरक्षा देना, यहाँ 30 लाख तक लोग आते हों, जहाँ पर चेहरा अलग हो, सबका व्यवहार अलग हो, ये काम किसी VIP को सुरक्षा देने से कई गुना बड़ा काम है। देश की संपदा और सम्मान की रक्षा, सुरक्षा में जुटे CISF के सभी साथी यहां उपस्थित सारे वीर परिवारजन, देवी और सज्जनों, स्वर्ण जयंती के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक संगठन के नाते आपने जो 50 वर्ष पूरे किए हैं वह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय उपलब्धि है और इस कार्य को यहां तक पहुंचाने में आज जो CISF की व्यवस्था में है उनका तो योगदान है ही, लेकिन 50 साल के कालखंड में जिन जिन महानुभावों ने अपना दायित्व निभाया है, इसको नेतृत्व दिया है, एक इंस्टीट्यूशन को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है, इससे जुड़े हुए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी भरसक कोशिश की है और इसलिए आज इस 50 वर्ष जब हम मना रहे हैं, तब ये गोल्डन जुबिली मना रहे हैं, तब वे भी अभिनंदन के अधिकारी हैं जिन्होंने 50 साल तक कभी न कभी इस इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। कुछ उसमें से महानुभाव यहां उपस्थित है, मैं उनका गौरवगान करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। देश को ऐसी महत्वपूर्ण इकाई इस ऊंचाई पर ले जाने के लिए वे सचमुच में अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ये उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि जब पड़ोसी बहुत होस्टाइल हो, युद्ध लड़ने की उसकी क्षमता न हो और भारत के भीतर ही अलग अलग प्रकार से घात करने के षड्यंत्रों को वहां से पनाह मिलती हो, बल मिलती हो, आतंक का रूप, घिनौना रूप अलग अलग स्वरूप में प्रकट होता है, तब ऐसी मुश्किल चुनौती के बीच देश की रक्षा, देश के संसाधनों की रक्षा, सुरक्षा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आप उस इंस्टीट्यूशन की दीवारों को संभालते हैं ऐसा नहीं है, आप उसके दरवाजों पर खड़े रहते ऐसा नहीं है, आपको भारत की विकास यात्रा की सुरक्षा कर रहे हैं, आप भारत की विकास यात्रा को एक नया विश्वास देते हैं। और मेरा तो अनुभव है
आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। आप हाथ पैर जोड़कर उसको समझाते हो, साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं गद्दा सुनाता हूं आपको, मैं पार्टी का काम करता था तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है, श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया, तो उसने उसको रोका, रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगा। जैसे वो चेक करता था, इनका पारा गर्म हो रहा था।